अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2021 आज सुबह से लेकर रात तक के अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों 6 जनवरी की भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे PNP लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उसके बाद दोस्तों बात होगी DLED तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट 2021। जी हाँ दोस्तों, कब से शुरू होंगी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, उसको देखेंगे। उस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि DLED छात्रों को मिल सकती है एक बड़ी खुशखबरी, और BEd छात्रों को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा रीट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2021 को लेकर, जारी हुआ राजस्थान रीट नोटिफिकेशन, जाने योग्यता परीक्षा आवेदन समेत सभी खास बातें। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में फिलहाल दोस्तों BEd के छात्रों को बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है, तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी DLED छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या था ना, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे DLED तृतीय सेमेस्टर टीचिंग लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सेकेंड सेमेस्टर जो आपकी टीचिंग थी उसको GPF के माध्यम से कम्प्लीट कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर की भी टीचिंग हो सकता है कि आपके GPF के माध्यम से ही कराई जाए। उसका दोस्तों रीज़न ये है कि अभी तक प्राइमरी स्कूल खोले नहीं गए हैं, जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तो फिर आप टीचिंग करने जाएंगे कैसे, ये सारे दोस्तों समस्या खड़ी होगी। तो फिर से वही GPF वाला दोस्तों प्रावधान हो जाएगा, उसी के माध्यम से दोस्तों आपकी टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी। DLED 2017-18-19 बैच के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021, इसको भी दोस्तों देखने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको कवर करेंगे। नई शिक्षक भर्ती 2021 की लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो हमारा रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जाने रीट में जुड़े बदलाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों देखिए, राजस्थान में दोस्तों जो बच्चे हम लोग DLED करते हैं वहाँ पर दोस्तों इसका नाम है BSTC वाले ही शामिल होंगे, BEd वाले शामिल नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों BEd वालों को लेवल 1 का शिक्षक बनने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, प्रदेश में इसकी कोई भी संस्था नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मुद्दा ये उठा ना, देखिए जब हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो जो बच्चे BEd के होंगे, तो दोस्तों BEd करने के बाद सीधे नौकरी नहीं मिलती, इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ता है। देखिए आपको एक बात और बता दें, अभी हमारी जल्दी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। आपने को पता होगा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई, लेकिन दोस्तों इसमें जो भी बच्चे BEd के होंगे, ठीक है, उनको दोस्तों 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, बाकी DLED छात्रों के लिए सीधे नौकरी है। DLED छात्रों में कोई देखिए दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन BEd छात्रों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। तो दोस्तों भाई, राजस्थान सरकार ने ये फैसला कर दिया है कि छोड़ो, कोई मतलब नहीं है BEd छात्रों का, क्योंकि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा, इससे अच्छा उनको बाहर किया जाए। देखिए जो बच्चे BEd करते हैं उनको दोस्तों पूरा मौका मिलता है TGT PGT की वैकेंसियों में। जैसे दोस्तों अभी UP में आपको पता होगा कि 15,000 से अधिक वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें TGT PGT में बच्चे मतलब सम्मिलित होंगे, लेकिन TGT PGT में DLED के छात्रों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए TGT PGT लाइन में दोस्तों जाने के लिए BEd छात्रों को रखा जाए, बाकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए DLED को, तो ठीक रहेगा, तो इससे तालमेल बना रहेगा। देखते हैं दोस्तों योगी सरकार का क्या फैसला होता है आने वाले समय में। उसके बाद पूरी अपडेट को देखिए जरा, पहले दोस्तों रीट के लिए स्नातक में 50% अंकों के साथ BEd जरूरी था, अब BEd के साथ स्नातक या PG में किसी में भी एक में 50% अंक होने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले भर्ती के मेरिट लेवल 2 में रीट RTET में अंकों का 70% व स्नातक के अंकों में 30% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी, लेकिन अब शिक्षक भर्ती में लेवल 2 में रीट, ठीक है, RTET के अंकों का 90% व स्नातक के अंकों का 10% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। दोस्तों ये लेवल 2 की बात हो रही है, पहले दोस्तों रीट में राजस्थान के GK को प्राथमिकता नहीं थी। देखिए दोस्तों, NCT के सिलेबस के आधार पर ही रीट का सिलेबस तय था, अब रीट में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, कला संस्कृति, इतिहास से जुड़े सवाल होंगे। कॉमर्स स्ट्रीम से BA करने वालों को भी दोस्तों रीट दे सकेंगे, इन्हें दोस्तों रीट लेवल 2 में सोशल स्टडीज विषय में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट आई है राजस्थान से, ये अपडेट है पूरी, ठीक है ना, रीट का पेपर राजस्थान में होने वाला है, ये एक तरह से दोस्तों नई शिक्षक भर्ती है राजस्थान के लिए। तो देखिए वैसे ही 2022 से पहले
उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को हमें मिलेगी। अब दोस्तों सवाल वहां पर बस यही रहने वाला है, क्या बीएड छात्रों को योगी सरकार आने वाले समय में बाहर करेगी? जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर बीएड बाहर हुआ तो देखिए डीएलएड छात्रों को एक बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा एडवांटेज। 69,000 भर्ती प्रक्रिया दोस्तों भी जो हमारी समाप्त हुई है, इसमें आपको बता दें जो बच्चे बीएड किए थे ना उनकी मतलब पासिंग बीएड करके मतलब 69,000 भर्ती प्रक्रिया को पास करने वाले छात्रों की संख्या 97,000 से अधिक थी। डीएलएड छात्रों की संख्या दोस्तों ये 38,000 से अधिक थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बीएड के बच्चे थे डीएलएड से डबल से भी ज़्यादा इनकी संख्या थी। तो अगर गाइस बीएड के छात्रों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए तो डीएलएड के छात्रों में बस इतना हो जाएगा ना, जो बच्चा दोस्तों डीएलएड के बच्चे मतलब सुपर टेट के पेपर को पास भी कर लेंगे वो सीधे नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 68,500 शिक्षक भर्ती दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से अगर याद है तो उसमें दोस्तों जितने बच्चे भी खाली पेपर को पास भी कर लिए ना उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। आज भी दोस्तों उसमें लगभग 22,000 सीटें खाली हैं। तभी तो दोस्तों बवाल मचा हुआ है ना कि 69,000 भर्ती के छात्र चाहते हैं इन सीटों को, ठीक है मतलब 68,500 की जो सीटें खाली हैं उनको दोस्तों 69,000 भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दी जाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी बवाल चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आई, 69%, ठीक है ना। अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल अप्रैल 2021 या उसके बाद खुलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब स्कूल कॉलेज को लेकर मतलब ऐसी हालत है ना, कोई चाहता ही नहीं कि स्कूल कॉलेज अब खुले। तो फिलहाल दोस्तों आपके कॉलेज देखिए धीरे धीरे करके खोले जा रहे हैं, लेकिन वही है कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग वर्सेस का पालन तो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, रियलिटी यही है। लेकिन दोस्तों जो भी है सब कुछ आपके सामने है। तो फिलहाल दोस्तों जो आपका रिजल्ट है अभी तक दोस्तों वो डिक्लेयर नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन एक और अच्छी खबर आई कि जो प्रैक्टिकल की भाई जो लास्ट डेट ये सब चीज़ें थी वो दोस्तों समाप्त तो हो चुकी है। तो मतलब आप प्रैक्टिकल के जो नंबर ठीक है ऐड होने थे वो हो चुके हैं, अब कोई और आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखिए काफ़ी बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल हैं कि उनके कॉलेज में GPF के नंबर नहीं लिए जा रहे हैं या कुछ और दिक्कत है दोस्तों। तो देखिए बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो पैसा लेकर पूरा सेटिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपका कॉलेज वैसा हो भाई जो होता है ना, कुछ देखिए आप एक बात और बता दें, कुछ कॉलेज में दोस्तों जो हमारी प्रैक्टिकल की फ़ीस लगती है, कहीं पर दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपये देना पड़ता है, कुछ कॉलेज में दोस्तों 3,000 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कुछ और ऐसे कॉलेज आते हैं जहाँ पर दोस्तों 4,000 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस ली जाती है। देखिए दोस्तों जो कॉलेज वाले पैसा ज़्यादा लेते हैं वो आपको सुविधा ज़्यादा देंगे, जो कॉलेज में पैसा कम लेंगे आपसे काम ज़्यादा करवाएंगे। अगर आप दोस्तों डायट में चले जाएँ वहाँ तो देखिए पैसा लिया ही नहीं जाता, तो वहाँ पर मेहनत भी आपको करना पड़ता है, ठीक है फाइल लिखो ये करो वो करो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको इससे आज़ादी मिलती है लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च होता है। ये सब दोस्तों बातें हैं। देखिए आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए जो इस समय बड़ी अपडेट है ना, थर्ड सेमेस्टर पेपर की बात हो रही है और चतुर्थ सेमेस्टर। देखिए गाइस चतुर्थ सेमेस्टर का भी पेपर अब एक हफ्ते की दोस्तों बातें, जैसा कि कहा गया है कि एक हफ्ते में डीएलएड ठीक है थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, हो सकता है किसी के साथ सेकंड का भी जारी कर दिया जाए। लेकिन एक हफ्ता मतलब काफ़ी बड़ा समय होता है, मतलब अगर दोस्तों ये मानिए कि 10 जनवरी तक अगर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो फिर इस महीने पेपर होना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस फिर एक चीज़ तो कंफर्म है कि फरवरी में थर्ड सेमेस्टर का पेपर होना है, तो फिर वही हो सकता है दोस्तों कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एक साथ करा लिया जाए। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा PNP का ना, कि जो ये स्कूल की बुकिंग कराते हैं तो मतलब बिल्कुल आसपास की डेट रहेगी, नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि इस महीने इनका पेपर अगले महीने उनका पेपर, तो PNP को भी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो हो यही सकता है दोस्तों कि दोनों पेपर एक साथ करा लिया जाए, थर्ड सेमेस्टर का पेपर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएगी ना वो अपडेट्स को हम आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर दोस्तों अगर ये बात ट्रेंड होगी तो UP में भी हो सकता है कि BEd छात्रों को बाहर किया जाए, जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये अपडेट है। फिलहाल लास्ट वैकेंसी में 69,000 भर्ती में तो भाई सरकार ने उनको मौका दिया था, अब नई वैकेंसी में दोस्तों देखने को पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। और देखिए ये सब चुनावी मुद्दा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि सरकार बदल जाए, योगी सरकार की जगह कोई और सरकार आती है तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर DLED छात्रों को प्राथमिकता भी दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ना तो DLED छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, ना तो इनको कुछ अलग से वेटेज मिल रहा है, तो फिर DLED करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि BEd वाले छात्रों को TGT PGT के साथ साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिल रहा है तो उनको डबल एडवांटेज है, और ठीक है BEd छात्रों को मतलब डबल एडवांटेज, लेकिन DLED छात्रों का नुकसान हो रहा है क्योंकि इनको तो भाई TGT PGT में मौका मिल नहीं रहा है। तो ये सब देखिए दोस्तों चीज़ें हैं जो कि और भी
बातें होती रहेंगी इन सब चीज़ों पर। तो देखिए दोस्तों, सवाल आपका यही था कि अभी और कितना इंतजार आपको करना है रिजल्ट के लिए, और सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाह फैल रही है कि डीएलएड का रिजल्ट घोषित हो चुका है, कितना समय लगेगा, क्या क्या अपडेट है, क्या खबर है। तो दोस्तों आपको एक बात कन्फर्म कर दें, जो हमारा डीएलएड का रिजल्ट घोषित होना है अब वो किसी भी समय जारी हो सकता है। तो गाइस हमें जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसको आप चेक करते रहिए, जैसे दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित होगा यकीन मानिए सारे लिंक एक्टिवेट होंगे और अपना रिजल्ट आप विद इन सेकेंड, जी हाँ दोस्तों जितना टाइम आपको अपना रोल नंबर फीड करने और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है मांगे या ना मांगे, और कभी कभी कैप्चा मांग लेता है तो उसको दोस्तों फीड करने में जितना समय लगेगा बस उतना ही, नहीं तो आप तुरंत अपना रिजल्ट देख पाएंगे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि सिर्फ आपको अपने रोल नंबर के दम पर ही आपको रिजल्ट आपका खुल जाता है, तो अच्छी बात रहती है, उससे ये फायदा होता है ना कि आप अपने आगे पीछे अपने पूरी क्लास का रिजल्ट देख पाते हैं, क्योंकि आपके पास देखिए सभी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ तो होगा नहीं कि भाई किसकी जन्मतिथि क्या है, बाकी रोल नंबर क्या होता है सबका, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट होती है वही चेंज होती है ना, अगर आपका लास्ट में 70 था तो आपके पीछे वाले का 71, आपके आगे वाले का 69, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, और सभी बच्चों को एक बात ये कहनी है कि आपको यूपी टेट के साथ साथ डीएलएड की भी परीक्षा की तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट का पेपर मार्च में होने वाला है, ठीक है, और डीएलएड का दोस्तों जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है अगर फरवरी में नहीं हुआ तो हर कीमत पर मार्च में तो होना है। तो गाइस आप ये सोचिए कि फरवरी में हो जाए तो आप छुट्टी पाएंगे, उधर यूपी टेट की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और डीएलएड छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है, बाकी दोस्तों आपका जो रिजल्ट घोषित होगा कुछ ऐसा प्यारा सा होगा, ठीक है, लास्ट में देखिएगा परीक्षा फल में अगर पास लिखा है तो बढ़िया है, फेल लिखा तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपके बैक वैक लग गए सेकेंड सेमेस्टर में भी 2019 बैच में तो फिलहाल अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा दोस्तों नहीं कि आपका प्रमोट कैंसिल होगा, देखते हैं कुछ और आदेश आएगा तो अपडेट हम आपको करेंगे, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।